हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दिस इज नवनीत। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक को आप कैसे ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाइस, आपको यहाँ पर किसी भी एजुकेशनल मेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक का। तो बने रहना वीडियो में और एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना ब्राउजर खोल लीजिए और ब्राउजर पे गूगल पे आपको सर्च करना होगा स्टूडेंट डेवलपर पैक गिटहब का। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च करोगे, आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक का। और इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट डेवलपर पैक के ये बेनिफिट्स हैं, ये सारे ही बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर साइन इन फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो उसके सारे बेनिफिट्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पर गेट स्टूडेंट्स बेनिफिट्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा लिंक आपका खुल जाएगा साइन अप करने का। तो यहाँ पर हम लोग एक नया अकाउंट बना के दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पर न्यू टू गिटहब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर एक न्यू अकाउंट बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए गाइस, यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी या फिर आउटलुक का अकाउंट जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास एक ऑलरेडी आउटलुक का अकाउंट है, आप जीमेल वाला भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने आउटलुक वाले अकाउंट में लॉग इन करके आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास आउटलुक का अकाउंट नहीं है तो आप एक क्रिएट कर लेना न्यू अकाउंट, तो बहुत इजी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्रिएट ए न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन को, उस पर यहाँ पर क्लिक करके एक नया आउटलुक का अकाउंट बना लीजिएगा। तो मैं जल्दी से पहले आउटलुक के अकाउंट को लॉग इन कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसीजर बता देता हूँ। तो गाइस, ये मेरा आउटलुक का अकाउंट है, यहाँ पर आपको सारे मेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर इसी आईडी को मैं यूज करने वाला हूँ वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं यहाँ से ईमेल आईडी अपनी कॉपी कर लेता हूँ और अब आपको यहाँ पर फिर से गिटहब वाले पेज में जाना है और वहां पर एक यूजर नेम देना है। एक छोटा सा यूजर नेम आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक ईमेल आईडी जो कि आपके पास जीमेल की हो सकती है या आउटलुक की, तो मैंने आउटलुक वाली यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। तो पासवर्ड गाइस एक ऐसा बनाइए जिसको आप याद रख सको या फिर कहीं नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना यहाँ पर चेकबॉक्स को। और यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको यहाँ पर एक कैप्चा फिल आउट करना पड़ेगा, तो कैप्चा फिल आउट आप इजिली कर सकते हो, कैप्चा फिल आउट कर देना। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कैप्चा फिल आउट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करिए क्रिएट अकाउंट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर एक 6 डिजिट का 7 डिजिट का यहाँ पर एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। तो वेरिफिकेशन मेल के लिए आप अपना जीमेल और आउटलुक चेक करिए। तो यहाँ पर मेरे पास गिटहब लॉन्च कोड का यहाँ पर एक मेल आ गया है और यहाँ पर आपको 8 डिजिट का यहाँ पिन मिल जाएगा। इस पिन को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और वापस गिटहब वाले लिंक पे यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये पेज लोड हो जाएगा और आपका यहाँ पर गिटहब अकाउंट से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा गिटहब एजुकेशनल का अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गिटहब स्टूडेंट बेनिफिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स वाले पे क्लिक करने वाले हैं, हम लोग टीचर नहीं है, तो स्टूडेंट वाले पे क्लिक होगा ऑलरेडी। और ये हम लोग देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप 13 से अबव होने चाहिए और स्कूल के स्टूडेंट होने चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पर आप अपनी जीमेल आईडी चूज कर लेना, जिस जीमेल आईडी से आपने डाला होगा वही जीमेल आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कॉलेज नेम है, जो स्कूल नेम है, वो यहाँ पर चूज कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप ओपन यूनिवर्सिटी डाल सकते हो या ओपन स्कूल लर्निंग करके यहाँ पर डाल देना, ठीक। तो यहाँ पर गाइस मैं ओपन स्कूल लर्निंग करके यहाँ पर डाल रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये गिटहब अकाउंट किस लिए चाहिए, तो यहाँ पर एक लर्निंग पर्पस के लिए हम लोग को गिटहब अकाउंट चाहिए, तो वहां पर आप लर्निंग के लिए डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं लर्निंग टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपका यहाँ पर लोकेशन मांगेगा, तो उसको आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोसीड नहीं होगा। तो अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपका एक गूगल मैप ओपन हो गया है। तो गूगल मैप ओपन हो गया है तो यहाँ पर आप दिल्ली वाली लोकेशन चूज कर लेना, क्योंकि वहां पर ओपन लर्निंग का सोर्स है, यहाँ पर ओपन स्कूल भी है, वहां पर लोकेशन आप सेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाना, नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो जो डिटेल आपको डालनी है वो डाल देना, सिटी में आप यहाँ पर डाल देना दिल्ली का, और यहाँ पर कोई भी कॉलेज चूज कर लेना या कोई भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर चूज कर लेना, या फिर जो मैंने चूज किया आप वो चूज कर सकते हो एज इट इज, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ जो स्टार मार्क्स वाली चीजें है वो आपको यहाँ पर डालनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आपको बोल रहा है जो मेल है वो आपका edu डॉट होना चाहिए, बट कोई इशू नहीं है, आपने जो चूज किया है वो एज इट इज ही रहने दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर फिल आउट कर देता हूँ, यहाँ पर सर्च में आप यहाँ पर दिल्ली वाला डाल के सारी चीजें फिल कर लीजिएगा एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पर की। तो गाइस यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो डिटेल फिल अप करने का। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका ये प्रूफ वेरिफिकेशन बोलेगा। यहाँ पर आपको आईडी कार्ड जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है, उसका मैं एक सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ आपको, आप उसको वैसे ही कर लेना। तो आईडी कार्ड बनाने के लिए गाइस मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप यहाँ पर ब्राउजर में पेस्ट करना और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से यह पेज दिखेगा। और इसमें आपका एक टेम्परेरी आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो टेम्परेरी आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए आप अपनी सारी डिटेल फिलअप कर देना, जो भी आपसे यहाँ पर मांग रहा है वो लोगो वगैरह चूज कर लेना और यहाँ पर एक जनरेट कर लेना एक आईडी कार्ड। तो लेकिन ध्यान रखिए जो आपने कॉलेज वगैरह यहाँ पर डाला है वही वहां पर कॉलेज वगैरह डालना, और जो भी डिटेल्स है वो आप सोच समझ के उसमें डालिएगा, ठीक है। तो वो जो आपका स्कूल या फिर कॉलेज लाइफ है उससे थोड़ा मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर एक जनरेट कर लेना एक आईडी कार्ड, तो मेरे पास ऑलरेडी जनरेटेड है, तो मैं यहाँ पर सिंपल आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जो आपने आईडी बनाई है उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना, सिंपल चूज करके इमेज चूज करके, और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी वाला ऑप्शन चूज कर लेना, जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट है वो चूज कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा थैंक्स फॉर सबमिटिंग का। लेकिन यहाँ पर 9 दिन नहीं लगने वाले, यहाँ पर आपका कुछ ही घंटों में वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा भी वेरीफाई हो चुका है, मेरा 4 घंटे के अंदर यहाँ पर मेल आ चुका था, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेल वगैरह आप देख सकते हो, आपके आउटलुक और जीमेल में यहाँ पर सबमिशन का मेल वगैरह भी आ, 4 घंटे के बाद आप देख सकते हो ग्रीन कलर लिख के आ रहा, कांग्रेचुलेशन यू हैव अप्रूव्ड द गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।